इस पे टाइप करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा। हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे यानी वाई क्लिक करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हैंड टू हैंड आपके फोन के अंदर रिकवरी फ्लैश होगा, आप टूल आपका एग्जिट हो जाएगा। और आपके आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टी डेवलप इंस्टॉलर प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप सिंगल क्लिक पे आपके पास कोई से भी डिवाइस है उसके अंदर जो कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर पाओगे और यूज कर पाओगे। ना ही आपको जरूरत पड़ेगी प्लेटफॉर्म टूल की, ना ही आपको चार पांच कमांड रन करने की जरूरत है, बस सिंगल क्लिक करना है और ये आपका काम चुटकियों में होने वाला है। और ये टूल मैंने पर्सनली बनाया है खुद के यूज के लिए, बट सोचा है क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल मैं अपने चैनल पे चार पांच डिवाइस कवर करता हूँ, जैसे कि पोको का F5, Mi Lone X जो कि कुछ दिन पहले ही ऐड किया है, Note 10 Pro, पोको F6 और पोको F4। तो ये सारे डिवाइसेस से रिलेटेड ये मैं आपको देने वाला हूँ इंस्टॉलर जो कि काम करेगा। लेकिन आपके पास कोई अदर डिवाइस है और चाहते हो कि मैं उसके लिए क्रिएट करके दूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरे ग्रुप पे ज्वाइन, मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको ये टूल क्रिएट करके दे दूंगा ताकि आपको हर बार प्लेटफॉर्म टूल और कमांड वगैरह रन करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस, और ये बिल्कुल ही इजी और सिंपल होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने सारे फोन को ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको इंस्टॉल करके दिखा सकूँ कि ये कितना ज्यादा इजी है। आपके पास डिवाइस कोई सा भी हो, सभी का फास्टबूट मोड ऑन करने का प्रोसेस सेम होता है। बस आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को, और जैसे आपका फोन लाइट अप होता है, वाइब्रेट करता है, आपको पावर बटन को लीव कर देना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड किए रहना है, आपका यहाँ पे फास्टबूट लोगो आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको अपने पीसी से कनेक्ट करना है वर्किंग डेटा केबल का यूज करते हुए। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया, और ये टूल सिर्फ और सिर्फ पीसी के लिए है। आपके पास अगर पीसी नहीं है, फोन से इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आप उसे देख के फॉलो कर लेना। तो ये जो टूल है इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है हमारा कस्टम रिकवरी इंस्टॉलर बाय टेक ऑफिस ऑफिशियल, ठीक है। इसे आपको सिंपल अनजिप करना है, जिसके अंदर आपको जितने भी मैं अभी फिलहाल अपने चैनल पे डिवाइस कवर कर रहा हूँ उनसे रिलेटेड सारी रिकवरी इसके अंदर है जो इंक्लूड मिल जाएगी। ये सारे रिकवरी मैंने नहीं बनाए हैं, सारे ओरिजिनल डेवलपर और मेंटेनर के हैं, बस मैं यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना आए, और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो इन फ्यूचर कोई भी TWRP हो, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी वगैरह जो कुछ भी हो, उसका इमेज फाइल यहाँ पे डाल के प्रोसेस जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। बट अभी के टाइम पे ये सारे लेटेस्ट रिकवरी है जो कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने डिवाइसेज के अंदर, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो इंस्टॉलर दिखाई दे रहा होगा, एक इंस्टॉलर रिकवरी है और एक यहाँ पे इंस्टॉलर बूट रिकवरी है। तो यहाँ पे मैं कमांड शो कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा गया है पोको F3 यानी Mi Lone X का कमांड जो होता है फास्टबूट फ्लैश बूट, पोको F4 का फास्टबूट फ्लैश बूट, पोको F5 का फास्टबूट फ्लैश रिकवरी, लास्ट में रिकवरी लग गया, F6 का भी रिकवरी है, और Redmi Note 10 Pro के अंदर बूट और रिकवरी दोनों काम करता है, बट रिकमेंडेड रहेगा रिकवरी वाला ही। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी जो प्री इंस्टॉल्ड है, प्री बिल्ड है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना करना पड़े। तो सिंपल आपके पास जो भी डिवाइस है, जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, उसका यहाँ पे रिकवरी दिया गया है। जैसे कि मेरे पास ये अभी फिलहाल पोको का F6 डिवाइस है, जिसका रिकवरी मैं ये यूज कर रहा हूँ जो कि AOSP रिकवरी है, ना कि कोई TWRP और ऑरेंज फॉक्स यहाँ पे डाला हुआ है। इसको क्या करना है, आपको रीनेम कर देना है, मैं पहचानने के लिए नाम ऐड कर रखा हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे उसे डिलीट कर देना है, बस रखना है आपको रिकवरी और इस तरीके से सेव कर देना है। ये आ गया। अब इसका कमांड क्या है, हमारा रिकवरी वाला कमांड है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकवरी वाले को रन करूंगा। अगर मेरा डिवाइस यहाँ पे कोई और रहता जिसका कमांड होता बूट वाला, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट में शो किया ये बूट वाला कमांड होता, तो मैं बूट इंस्टॉलर का यूज करता, लेकिन अगर रिकवरी वाला कमांड है तो मैं यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉलर का यूज करूंगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको टूल का सारा बेनिफिट पता चल सके। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं इंस्टॉलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कमांड ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा कस्टम रोम रिकवरी इंस्टॉलर बाय टेक ऑफिस यूट्यूब, सब्सक्राइब टेक ऑफिस यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिखा गया है। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, 60 सेकंड के अंदर आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, अदरवाइज ये टूल ऑटो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट करूंगा, ये अपने फोन को डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपका डिवाइस का जो भी कोड नेम है वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है ADB वगैरह का, तो वो कर लेना, मे बी उसकी वजह से दिक्कत आए, बट यहाँ पे सब कुछ मैं इंस्टॉल करके दे रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखो कोड नेम आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार आप क्रॉस चेक कर लो कि जो रिकवरी आप फ्लैश कर रहे हो ना वो सूटेबल और सपोर्टेड है या नहीं। अगर आप अनसपोर्टेड रिकवरी को फ्लैश करते हो तो ऐसे में आपका डिवाइस ब्रिक वगैरह हो सकता है, तो ये वार्निंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब पूछ रहा है कि आप सियोर हो इंस्टॉल करने के लिए या फिर नहीं, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो ना तो नो क्लिक कर दो यानी एन क्लिक करो और इंटर पे क्लिक कर दो। आपका फोन नॉर्मली है जो ऑन हो जाएगा, और इस टूल की
कहानी खत्म हो जाएगी, यानी टूल पे जस्ट एक और क्लिक करना है और ये एग्जिट हो जाएगा। ये कब, जब आप है जो इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तब। तो ये था इंस्टॉल नहीं करना है, आपने क्रॉस चेक किया, आपको पता चल के भाई मैंने जो रिकवरी यूज किया वो तो गलत है, इसलिए आप इस तरीके से अपने फोन को ऑन कर पाओगे। लेकिन आपको इंस्टॉल करना है कन्फर्म हो तो फिर से हम इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा, हम क्या करेंगे यस पे क्लिक करेंगे यानी वाई क्लिक करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हैंड टू हैंड आपके फोन के अंदर रिकवरी फ्लैश होगा, आपका फोन रिकवरी में बूट भी कर जाएगा और इस टूल की कहानी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग दिस टूल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक ऑफिस यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे प्रेस एनी की कर दो, टूल आपका एग्जिट हो जाएगा और आपके फोन के अंदर रिकवरी शो कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब जो भी आपको प्रोसेस करना है, कस्टम रोम फ्लैश करना है, रूट करना है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल फ्लैश करनी है, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो, इसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल तरीका। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल क्या करता हूँ, अब हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं दूसरे डिवाइस को, यहाँ पे मैंने उसका नाम फिर से वही डाल दिया ताकि मुझे पहचान में रहे कि कौन सा रिकवरी किसका है। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा डिवाइस है जो कि पोको का F5 है, तो मैं पोको F5 फ्लैश करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है उसे मैं फिर से एडिट करूंगा और जितना भी एक्स्ट्रा नाम है उसे मैं हटा दूंगा, बस रिकवरी रहने दूंगा और इंटर पे क्लिक। अब इसको फास्ट मोड में ऑन करके सेम पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन का प्रेस करते हुए आ गया। अब यहाँ पे फिर से क्या है, पोको F5 का जो कमांड है वो है रिकवरी वाला ही है, तो फिर से हम इसी इंस्टॉलर पे क्लिक कर देंगे डबल। अब इस तरीके से पॉपअप आएगा, टाइमिंग चालू हो गया है, हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही यहाँ पे आपका फोन डिटेक्ट करेगा, आपके डिवाइस का कोड नेम शो कर देगा कि आपका डिवाइस का कोड नेम क्या है, अब इंस्टॉल करना है या नहीं, तो यस क्लिक करेंगे और इंटर पे क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हैंड टू हैंड आपके फोन के अंदर रिकवरी फ्लैश हो जाएगा, प्रेस एनी की आ जाएगा, थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर पे क्लिक कर देना, आपका टूल एग्जिट हो जाएगा और आपका फोन है जो रिकवरी में ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं अपने Mi 11X डिवाइस के ऊपर, और Mi 11X का जो है हमारा कमांड वो है बूट वाला है, तो इसलिए हम इस बार बूट इंस्टॉलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिकवरी है इसे मैं फिर से रीनेम कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम यूज करते समय मैं भूल ना जाऊँ। नाम डाल दिया मैंने F5 और ये है हमारा जो कि Mi 11X या F3 आप इसे कह सकते हो। तो इसे फिर से हम एडिट करेंगे और यहाँ से सब कुछ डिलीट करके बस रिकवरी रहने देंगे, और इसका जो कमांड है वो है बूट वाला, इसलिए मैं बूट इंस्टॉलर पे क्लिक कर दूंगा। सेम उसी तरीके से आ गया वेटिंग टाइम वगैरह, मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। फास्टफूड लोगों में भी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा या आ भी रहा होगा पता नहीं। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे कमांड आ गया हमारे डिवाइस का, शो कर दिया कोड नेम वगैरह और यहाँ पे पूछ रहा है कि डालना है या नहीं, तो वाई क्लिक करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हैंड टू हैंड हमारा यहाँ पे है जो रिकवरी फ्लैश हो जाएगा हमारे फ़ोन के अंदर और क्या होगा, हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। बस प्रेस एनी की पे क्लिक कर देना है और हमारा है जो CMD क्लोज हो चुका है और आप देखोगे कि फ़ोन के अंदर रिकवरी भी आ चुकी है। तो बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका है जिससे आप वन क्लिक पे अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी को इंस्टॉल कर पाओगे, चाहे वो ऑरेंज फॉक्स हो, TWRP हो या कोई USB साइड लोड वाला रिकवरी हो, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इन फाइलों को रीनेम करके रिकवरी रख देना है और अपने हिसाब से डिवाइस के हिसाब से रिकवरी वाला रन कर लेना है या फिर आपको बूट वाला है जो रन कर लेना है। बट इन जो मैंने कमांड शो किया इसके अलावा कोई और डिफरेंट कमांड है आपके डिवाइस के लिए तो ये टूल काम नहीं करेगा, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, मैं आपको इसे एडिट करके मॉडिफाइड करके आपके डिवाइस के लिए बना के दे दूंगा, तब जाके आप इसे यूज कर पाओगे। अब कन्फ्यूजन है कि भाई मेरे पास कोई और डिवाइस या मैं कोई और रिकवरी यूज करना चाहता हूँ इसके जगह पे, तो सिंपल जो भी आप रिकवरी यूज करना चाहते हो ना उसे आप है जो डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अनजिप कर लो। जैसे कि यहाँ पे ये रिकवरी रहा, किधर गया हमारे पास, ये रहा, यहाँ पे हम अनजिप करेंगे, इसका इमेज फाइल निकालेंगे, इमेज फाइल निकाल के इस फोल्डर के अंदर डाल देंगे और नेम सेम टू सेम रखेंगे और इस इंस्टॉलर को रन कर देंगे अपने डिवाइस के हिसाब से, आपके फोन के अंदर इजीली जो रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगा। आई नो ये बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका है और सभी को पता है कि कमांड कैसे रन करना है, प्लेटफॉर्म टूल में यूज करना है, बट ये टूल मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगा है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डाउनलोड लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल वगैरह जहाँ से आप इसे यूज कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।